फुटबॉल कोच ने कौमी क्रिकेट टीम के 26 खिलाड़ियों को मरकजी कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान कर दिया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वालों में एक अरिबरी में शोएब अख्तर, यूनिस खान, दानिश कनेरिया, शाहिद आफरीदी, कामरान अकमल, शोएब मलिक, मिसबाहुल हक, सलमान बट, उमर गुल शामिल हैं, जबकि बी कैटेगरी में यासिर हमीद, फैसल इकबाल, मोहम्मद हफीज, सुहेल तनवीर शामिल हैं और सी कैटेगरी में राव इफ्तार, अब्दुल रहमान, यासिर अरफात, फवाद आलम, खुर्रम मंसूर, सईद अजमल, सुहेल खान, वहाब रियाज, समीउल्लाह खान न्याजी, सरफराज अहमद, नासिर जमशेद, उमर अमीन और अजहर अली शामिल हैं। पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलीम अल्ताफ ने बताया है कि आइंदा जुमे से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा, जिसमें उनकी साबिका मुराद को बरकरार रखा जाएगा, जबकि टेस्ट मैच की फीस बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ कशरू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन एजाज भट्ट ने उनका इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर कर लिया है। आरिफ कशरू पीसीबी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर नसीम अशरफ के दौर में इस ओहदे पर मुकर्रर हुए थे। जराये का कहना है कि आरिफ कशरू से इस्तीफा चंद माली मामलात के बिना पर लिया गया है। I love you, baby. I love you, baby.